हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रुप डी के दो जोन का आरटीआई रिप्लाई देखने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि उन दोनों जोन में कितने फॉर्म टोटल भरे गए हैं। देखिए, अभी तक मैं जो है चार वीडियो बना चुका हूँ इस सीरीज़ के, जिसमें मैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, मुंबई वेस्टर्न रेलवे, मुंबई सेंट्रल रेलवे और सिकंदराबाद का एनालिसिस कर चुका हूँ विद आरटीआई। इन चारों वीडियो में मैंने आपको ओरिजिनल आरटीआई का रिप्लाई दिखाया, साथ में पूरा एनालिसिस करके दिखाया है कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना रहा था, रो स्कोर कितना रहा था, इस बार जो है आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। आज के इस वीडियो में हम अजमेर और गुवाहाटी का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। दोनों जोन का जो आरटीआई रिप्लाई है वो मेरे पास आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। यहां पर मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप में से किसी के पास भी कोई आरटीआई का रिप्लाई है किसी भी जोन से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम में वो जरूर शेयर करें, उसके आधार पर मैं पूरा एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। लिंक मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, यहां पर जो है अजमेर और गुवाहाटी का वीडियो बना के आज पूरे टोटल 6 RRC कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बाकी RRC को लेकर भी, तो धीरे धीरे जैसे मेरे पास डाटा आएगा वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं अजमेर के आरटीआई रिप्लाई की। आप में से जिस सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा है उसको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा। यहां पर बताया गया है, नीचे मैं आप लोग देख सकते हैं, टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव फॉर RRC ग्रुप डी 2019 एट RRB अजमेर आर 8,297। टोटल यहां पर फॉर्म कितने भरे गए हैं? 8,297। अगर इसको राउंड फिगर में भी लेते हैं तो लगभग 8 लाख फॉर्म जो है अजमेर से भरे गए हैं। दूसरा जोन जो हमारा आज का है गुवाहाटी है। गुवाहाटी में कितने फॉर्म भरे गए? देखिए, सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, गुवाहाटी लिखा हुआ है। यहां पर जो है लास्ट में आपको आ जाना है हाउएवर टोटल फॉर्म 2,20,828 फॉर्म यहां पर भरे गए आपके ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने दोनों आपको आरआरबी का जो है आरटीआई रिप्लाई दिखा दिया। अब चलिए उसको एनालाइज करते हैं ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले अजमेर की, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बोला जाता है, जयपुर करके भी इसको बोला जाता है। इस बार अजमेर करके वैकेंसी आई है। 2018 की अगर बात करें तो वैकेंसी यहां पर थी 4,755, लगभग 14 लाख फॉर्म भरे गए थे ऐसा बताया जाता है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस टाइम पर जो सीट कंपटीशन निकल रहा था वो 296 का था, लेकिन होता क्या है कि फॉर्म ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं लेकिन एग्जाम देने बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं। अब यहां पर मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, यहां पर जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर के आधार पर एनालाइज करके बता रहा हूं। कुछ चीजें यहां पर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आपका जो कट ऑफ है वो नंबर ऑफ वैकेंसी, आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन, अटेंडेंस कितना रहा है, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स के आधार पर निर्भर करता है। सारा डाटा हमारे पास नहीं होता, इसलिए प्रीवियस ईयर को देखते हुए एनालाइज किया जाता है। बाकी देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी चीज यहां पर 100% एग्जैक्ट नहीं होती है। तो देखिए, बात करते हैं 2018 की, लगभग 65% के करीब अटेंडेंस उस टाइम रहा था, तो एक्चुअल जो परसीट कंपटीशन था एग्जाम के टाइम पर वो 192 का था, यानी कि एक सीट पर 192 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अच्छा खासा कंपटीशन अजमेर में देखने को मिला था। अब उसके बाद जो कट ऑफ रहा था, पीईटी के लिए कट ऑफ ये है, डीवी के लिए जो कट ऑफ रहा था वो ये है, और रो मार्क्स ये है। देखिए, आपका कट ऑफ जो है पीईटी के लिए बनता है जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, फिर आपका डीवी का कट ऑफ बनता है जो इंक्रीज होता है पीईटी के कट ऑफ से। तो यहां पर देखिए, जो पीईटी का कट ऑफ रहा था ये भी मैंने कंप्लीट फिगर में ले लिया है, ये पॉइंट्स में करके कुछ था 73 पॉइंट समथिंग। ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जो है करेक्ट फिगर में ले लेता हूं। तो 73 रहा था यहां पर यूआर का, ओबीसी का रहा था 70, एससी का रहा था 63 और एसटी का रहा था 60, ये पीटी का कट ऑफ है। लेकिन उसके बाद जब कट ऑफ इंक्रीज हुआ था डीवी के लिए, तो देखिए 73 से हो गया था 76, ये 70 से 74 हो गया था, एससी में 63 से हो गया था 66.94 और एसटी में 60 से हो गया था 66.08। यहां पर एससी और एसटी में बहुत माइनर सा ही डिफरेंस रहा था। अब देखिए, आपको पता है कि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत ज्यादा हुआ था, तो लगभग मैं मान के चलता हूं कि 10 मार्क्स अगर सभी स्टूडेंट के बड़े होंगे तो यहां पर जो है यूआर में आपका जो रो स्कोर रहा होगा उस टाइम पर वो 66 रहा होगा, ओबीसी में लगभग 64 रहा होगा और एससी में जो है 56 और एसटी में भी लगभग 56 रहा होगा, यानी कि इस वाले रो स्कोर पर फाइनल सिलेक्शन स्टूडेंट को मिल गया होगा। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि 2022 में कितना कंपटीशन है और क्या यहां पर सेफ स्कोर रह सकता है। वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, 5,249 टोटल वैकेंसी है। फॉर्म कितने भरे गए मैंने आपको बताया, 8,297 फॉर्म टोटल भरे गए हैं, मैंने आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाया है। पर सीट कॉम्पिटिशन निकलता है 152 का। अब देखिए, आपको पता है कि इस बार जो अटेंडेंस है वो बहुत कम रहने की उम्मीद है, आप कह सकते हैं कि लगभग 50% के करीब अटेंडेंस इस बार रह सकता है जैसा हमने एनटीपीसी में देखा है। तो एक्चुअल परसीट कंपटीशन रहता है 76 का। देखिए, पिछली बार कितना था, 192 का था, तब कट ऑफ इतना रहा था, इस बार जो है 76 का है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अजमेर में जो स्टूडेंट की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप सारे एग्जाम्स उठाकर देखेंगे, ALP का, NTPC का या कोई भी एग्जाम, तो यहाँ पर कट ऑफ अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पर अगर आपने फॉर्म भरा है तो थोड़ा सा आपको स्कोर करना होगा। मैंने यहाँ पर आपको जो है DV का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, साथ में रो स्कोर बताया कि कितना रह सकता है। देखिए, DV के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ रहेगा UR का वो 70 से
74 के बीच में रहेगा। अब ये 70 क्या है, ये आपका मिनिमम है, और 74 क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि 70 71 72 73 74 तक आपका रह सकता है। ओबीसी की बात करूँ तो 68 से 72, एससी की बात करूँ तो 60 से 64, एसटी की बात करूँ तो 58 से 62। अब रो स्कोर अगर निकालते हैं तो रो स्कोर में रिकॉर्डिंग ये रहना चाहिए आपका यूआर में 66 से 70, ओबीसी में 62 से 66, एससी में 58 से 60 और एसटी में 54 से 56। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस जो है ओबीसी और एससी के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, क्योंकि एनटीपीसी में हमने देखा है कि कहीं जगह एससी से नीचे भी गया है, कहीं जगह ओबीसी से ऊपर भी गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा वो ओबीसी और एससी के बीच में कहीं लाई करेगा। तो ये हमारा अजमेर का पूरा एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं गुवाहाटी की। देखिए गुवाहाटी में जो है 2018 में जो वैकेंसी थी वो 2577 थी, फॉर्म लगभग 10 लाख भरे गए थे। देखिए गुवाहाटी में जो है ज्यादा फॉर्म इसलिए भरे गए थे उस टाइम पर, सडन वैकेंसी आई थी, स्टूडेंट को ऐसा लगता है दूर का जोन है कोई अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं। हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फॉर्म बहुत बड़ी मात्रा में भरे गए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन निकल रहा था 419 का। अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया है कि 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग अगर निकालते हैं तो 272 का पर सीट कॉम्पिटिशन पिछली बार रहा था। कट ऑफ की बात करूं तो पीटी के लिए जो कट ऑफ रहा था यूआर का 77 था, मैंने आपको बताया कि कंप्लीट फिगर में मैंने ले लिया है, ओबीसी में 72, एससी में 67 और एसटी में 57। डीवी का जो कट ऑफ था वो इंक्रीज हुआ था, देखिए बहुत हाई कट ऑफ रहा था पिछली बार गुवाहाटी का, 80 कट ऑफ गया था यूआर का डीवी के लिए, और ओबीसी का रहा था 77, 71 था एससी का, और देखिए 62 था एसटी का। बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ आप इसको कह सकते हैं। तो रो मार्क्स यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि 10 नंबर अगर हम माइनस कर देते हैं तो रो मार्क्स लगभग 70 रहेंगे यूआर में, 67 रहेंगे ओबीसी में, 61 आपके एससी में, और 52 रहेंगे आपके लगभग एसटी में। तो इतना यहां पर कट ऑफ रहा था 2018 गुवाहाटी का। अब इस बार को एनालाइज करते हैं 2022 को, तो वैकेंसी इस बार है 2894, फॉर्म भरे गए हैं 2,20,828 जैसा मैंने आपको आरटीए के रिप्लाई में दिखाया है, पर सीट कंपटीशन निकलता है 76 का, और एक्चुअल पर सीट कंपटीशन 50% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग निकलता है मात्र 38 का, एक सीट पर मात्र 38 स्टूडेंट की फाइट रहेगी। देखिए नो डाउट कि इस बार जो है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि गुवाहाटी में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लो है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा लो रह सकता है। डीवी के लिए जो मैंने यहाँ पर ज्यूम किया है वो आपका 70 से 74 के बीच में रह सकता है, यूआर कैटेगरी का ओबीसी का रह सकता है 65 से 70 के बीच में, एससी का 62 से 68 और एसटी का 56 से 58 के बीच में डीवी का कट ऑफ रह सकता है। ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं पीटी के कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन आपका इसी कट ऑफ पर होता है। रोमार्क्स की बात करूं तो 64 से 68 के बीच में अगर आपके यूआर कैटेगरी में रो मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, ओबीसी में 60 से 62, एससी में 56 से 58 और एसटी में 54 से 56। बाकी ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बताया है कि ओबीसी एससी के बीच में कहीं लाइक कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है गुवाहाटी का और अजमेर का पूरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जैसे ही मुझे बाकी आरटीआई के रिप्लाई मिल जाते हैं मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो बने रहिए चैनल पर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।